हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी? तो आज मैं बनाने जा रही हूँ कुछ स्पेशल नाश्ता, आप लोग भी देखिएगा प्लीज़। बहुत आसान रेसिपी। तो गाइस देखिए, ये मैंने दाल मोठ तैयार कर लिया है। आज का हमारा ब्रेकफास्ट ये रहेगा, और जो दाल मोठ का पानी था उसका हमने आटा गूंद लिया, तो मैं बनाऊंगी उसके पराठे। आप लोग बने रहिए मेरे साथ और खाने तो आ जाएगी झट से, बिल्कुल दाल मोठ। तो दोस्तों मैं बना रही हूँ पराठे। ये पता हमने क्या करा, और यशु की जिद है कि मैं ब्लॉगिंग करूंगा, गंदा बच्चा। तो फ्रेंड्स, आज का व्यू कुछ ऐसा है। आज आई है धूप, और हल्के से बादल भी थे सुबह, पर अभी धूप आ गई है। देखिए ऐसा व्यू है कुछ आज का। गर्मी रहेगी दिन में आज बहुत ज़्यादा। तो हमारे बन रहे हैं पराठे। फ्रेंड्स, ये मेरा नाश्ता है। ये हमने बनाई है आलू और तुरई की सब्जी, ये है दाल मोठ देखिए, और ये है रोटी। तो अभी मैं नाश्ता करती हूँ, उसके बाद मिलूँगी आपको गाइस। बाय बाय गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी? मैं भावना जोशी रुड़की से आप सभी का अपने ब्लॉग में स्वागत करती हूँ। तो आज की शुरुआत कर रही हूँ मैं सुबह 8:30 बजे से, और मैं बना रही हूँ ब्रेकफास्ट कटहल की सब्जी। तो आप लोग को मैं शेयर करूँगी। फ्रेंड्स देखिए, ये मैंने काट लिया है कटहल, और उसके बाद मैंने थोड़ा सा लहसुन छील लिया है, और 4 हरी मिर्च है, 2 प्याज, 2 टमाटर, क्योंकि हमारा कटहल कम है तो हम लोगों ने प्याज और टमाटर को दो दो ही लिया है। तो देख लीजिए कैसे बनाते हैं। कढ़ाई में मैंने थोड़ा सा गरम तेल डाला है, और उसके बाद हम डालेंगे इसमें थोड़ा सा जीरा। तो हमारा जीरा हो चुका है, अब हम इसमें कटहल छोड़ देंगे। इसको थोड़ी देर हम लोग तेल में अच्छे से तल लेंगे, फ्राई कर लेंगे, जब तक ये ब्राउन ना हो जाए तब तक के लिए हम लोग ये प्याज के मैंने 4 टुकड़े करके मिक्सी के जार में डाल लिया है, इसका पेस्ट बना लेंगे। ये हमारा कटहल हल्का सा ब्राउन होने लगा है,
देखिए गाइस, इसको ऐसे भूनना है अच्छे से। और इतना हम लोग ने प्याज का पेस्ट और टमाटर का पेस्ट बना लिया है। अब देखिए, ये देखिए यशू को, यशू नहा धो के रेडी होके फिर ब्रश करता है। ये देखो यशू का ग्रीन कलर का ब्रश, और ये कर रहा है अपने पापा के साथ ब्रश। तो फ्रेंड्स देखिए, आज का मौसम कुछ ऐसा है, बाहर हल्की हल्की सी धूप है पर गर्मी बहुत ज़्यादा है, उमस है। देखिए मेरा किट्टू खुद ब्रश कर रहा है। यशू इधर देखो मम्मा को, ये देखिए, और सारे कपड़े गंदे। तो हमने ये कटहल निकाल लिया था, उसके बाद फिर से हमने इसमें तेल डाला और थोड़ा सा हींग डाला। अब हम इसमें डालेंगे प्याज। ये देखिए हमने इसमें प्याज डाल दिया है। अब हम इसको हल्के ब्राउन होने तक भूनेंगे अच्छे से, जब तक ये तेल ना छोड़े। फिर उसके बाद हम लोग डालेंगे इसमें टमाटर का पेस्ट। तो देखिए गाइस, ये अब इसने मसाला छोड़ दिया है, ये टमाटर का पेस्ट है। इसमें नमक, हल्दी, गरम मसाला और धनिया पाउडर डाल दिया है। इसको हम लोग डाल देंगे कढ़ाई में, अभी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो ये देखिए, हम लोग इसको मसाले को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसको भी 2 मिनट तक भूनेंगे हम लोग अच्छे से। टमाटर और प्याज का पेस्ट है, इसमें मसाले हैं सारे। और फिर इसके बाद हम लोग डालेंगे इसमें ये कटहल जो हमने तेल में और जीरे में निकाला था। बहुत आसान रेसिपी है। तो फ्रेंड्स, आप इस तरीके से भी कटहल को बना सकते हो, बहुत सरल तरीके से, सूखा वाला कटहल। तो गाइस देखिए, कम मसाले वाला, कम बनाओ स्वाद बनाओ, तो इस तरीके से आप लोग भी कटहल बना सकते हो, बहुत टेस्टी। सब लोग उंगलियां चाटते रह जाते हैं ऐसा कटहल बनाने पे। हमारे घर पे बहुत शौक से खाते हैं ये सूखा वाला कटहल, क्योंकि कुकर में सीटी लगा के तरी वाला कटहल तो किसी को पसंद ही नहीं है। तो फ्रेंड्स, आप लोग भी इस तरीके से बना सकते हो। देखिए, तो इसको हम लोग ढक्कन से ढक देंगे और धीमी आँच कर देंगे। उसके बाद हम लोग इसको 2 मिनट बाद खोल के देखेंगे फिर। तो दोस्तों, एक तरफ हमारा कटहल बन रहा है और दूसरी तरफ हम बनाएंगे अब रोटी। ये आटा है तो मैं गर्मा गर्म रोटी बनाती हूँ सबके लिए ब्रेकफास्ट।